Okay. चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ा था। तो सबसे पहले मैंने बताया था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ड्राइव्स के बारे में, डिवाइसेस के बारे में, कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिवाइस कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये चीजें हमने देखी थी। क्लियर है सबको? चलिए ओके, क्लियर है सबको, जल्दी बोलो। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हमने बताया था स्विच, स्विच याद करो, याद आ रहा है सबको स्विच? ठीक है, स्विच में आइडियल और प्रैक्टिकल से जो बताया था मैंने, ठीक, स्विच क्या होता है, जस्ट आइडियल स्विच क्या होता है, बेसिक्स बताया था, बाइलेट बाईस्टेबल सर्किट से करके, याद है सबको, ऑन या ऑफ। ठीक, देखो ऑन स्विच प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, आइडियल में वोल्टेज ड्रॉप जीरो, याद रखिएगा आइडियल स्विच है तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो है ना, ऑन स्विच सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, और ऑफ है तो इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, पावर ऑफ में कोई लॉस नहीं होना चाहिए। उसके बाद बताया था मैंने ट्रांजिशन टाइम, टी ऑन और टी ऑफ के बीच में कोई हमारा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक, आई बात समझ, टर्न ऑफ के लिए जो करेक्टरिस्टिक होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जल्दी बोलो, ये हमारा हीट सिंक है, याद आ रहा है? ठीक, टी ऑन और टी ऑफ बताया था। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, याद नहीं है कुछ, याद आ रहा है सबको, टर्निंग ऑन टर्निंग आउट, ठीक, याद आ रहा है सबको, इस नंबर सर्किट डिजाइन किए थे। ठीक, यहाँ तक क्लियर, स्विचिंग स्विचिंग पावर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, बताया था, ये सब याद रखना, एवरेज अमीन बराबर मैग्नीट्यूड पल्स ड्यूरेशन बाय पल्स टाइम, याद रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या बताया था इसमें, ए स्क्वायर टी हाफ बाई टी, तो क्या था, आर एम एस वैल्यू स्क्वायर ऑफ हम का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पल्स ड्यूरेशन बाई पल्स टाइम, ये सब क्लियर बना लिए थे, क्लियर आ रहा है समझ में सबको, ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का क्या था याद करो, एक बटे दो बेस इनटू हाइट बटे टाइम पीरियड, एरिया बाय टाइम पीरियड बढ़े थे, एवरेज यहां तक क्लियर, और आरएमएस ए बाय रूट सिक्स, याद आ रहा है सबको, क्लियर, ये सब क्लियर है, कैसे निकालते थे इस टाइप के वेवफॉर्म्स का, क्योंकि ये सब चीजें काम आएंगी, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो याद रहेगा, याद है कि नहीं सब, ये सब क्यों आया था, याद आ रहा है? हाँ, अब इसके बाद बताया था कि जो मॉस्फेट है, मॉस्फेट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मॉस्फेट में क्या होता है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, आरएमएस वैल्यू, बीजेटी में फ्लो हो रहा है तो एवरेज वैल्यू, एससीआर पावर डायोड आईजीबीटी, तो आरएमएस और एवरेज दोनों वैल्यू निकालना पड़ता है, याद आ रहा है सबको, क्लियर है सबको, कमेंट करके बताएंगे यहां तक, यस और नो, क्लियर हो रहा है सबको, रेडी, ये सब चीजें बता दिया था। ठीक, चलो चल क्वेश्चन बनाते हैं एक बार जल्दी से, इन टर्म ऑफ एनोड एंड कैथोड आर नॉट एप्लीकेबल टू, जल्दी से बोलो क्या आंसर,
जय जोहार सभी को। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बनाइए सब लोग, देखिए क्या है आंसर, जल्दी बोलो। पहला का फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? चलो एससीआर में क्या था, एनोड और कैथोड था कि नहीं? एनोड था और कैथोड भी था। डायोड में था? डायोड में भी था। जीटीओ में भी था, याद करो एनोड कैथोड, और ये हमारा गेट चालू होगा और गेट से बंद होगा इस तरीके से। तो क्या आएगा आंसर? सी। क्या आएगा करेक्ट आंसर? सी। याद आ रहा है सबको? देखिए इस तरीके से बनाएंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए फास्ट सभी लोग बनाएंगे। द रेक्टिफायर मोड ऑफ ऑपरेशन ट्रैक कैन बी ओवरकम बाई इंक्रीजिंग। चलो जल्दी बोलो क्या आएगा? गेट करंट। क्या बताया था मैंने? गेट करंट। गेट करंट से हम इन चीजों को बंद ट्रैक, ठीक बढ़िया। चलिए द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ बायस्ड, चलो देखो बनाओ, दिख रहा है सबको क्वेश्चन? कमेंट कर बताएंगे क्लियर है सबको? फास्ट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ डिप्लीशन लेयर रिवर्स बायस जंक्शन ऑफ एससीआर इज 30 पिको फैरड फायर्ड विद डीवी बाय डीटी ऑफ 150 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड देन कैपेसिटिव करंट आईसी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज। तो क्या सिखाया था तुमको मैंने? आईसी बराबर क्या होता है? सी डीवी बाय डीटी। तो सी का वैल्यू कितना है सर? जल्दी बोलो सी का वैल्यू कितना है? 30 पिको फैरड। 30 पीको का मतलब कितना होता है? 10^-12, ठीक। और डीवी बाई डीटी कितना है? 150 है, 150 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। माइक्रो मतलब 10^-6। अब 15 * 45 और 1 और 2 = 0, ठीक आगे समझ। 10^-6, 10^-6। अब इसे 10^3 इधर नीचे ले आओ तो मिली हो जाएगा, 10^3 इधर, तो 4.5 मिली एम्पियर। आ रहा है सबको समझ? यस और नो जल्दी बोलो, आसान लग रहा है? तो देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, और कल टेस्ट हुआ था ऑफलाइन तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पेपर हुआ खत्म करो, है ना, तो उसके एक भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, साफ बता रहा हूँ। कोई भी टेस्ट सीरीज का आप उसको बेस मान के नहीं चलेंगे, वो टेस्ट सीरीज केवल आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए होता है। तो जिसका कम नंबर आया है बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, रात गई बात गई भूल जाओ उसको अब यहाँ से, क्योंकि जब हो चुका है तो उस पर क्या है ना। तो अभी जो मेन हमारा जो पेपर है 3 तारीख, उसमें फोकस करेंगे सभी लोग, क्या है क्या है, किस तरीके से है, क्या सॉल्यूशन है, क्या पेपर है, कोई मतलब मत रखो, अपना तैयारी रखो। अब अपना एक सब्जेक्ट देखो, आज मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट करूंगा, आज सुबह और शाम को करके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट करेंगे, उसी तरीके से कल मशीन सुबह और शाम करके कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हम सब्जेक्ट्स को इस तरीके से क्वेश्चन बना बना के कंप्लीट करेंगे। एडमिट कार्ड आ जाएगा एक दो दिन में आ ही जाएगा एडमिट कार्ड, चिंता मत करो, कल तक आ जाना चाहिए एडमिट कार्ड या शाम तक आ जाना चाहिए। चलो फास्ट द लैचिंग करंट, तो बिल्कुल उस सब चीज़ों को है ना सोचने की जरूरत नहीं है, सब आ जाएगा। अभी आपको केवल प्रश्न बनाने की जरूरत है जितना हो सके। द लेचिंग करंट ऑफ T1 थायरिस्टर 1 का लेचिंग करंट कितना है? 1 mA। द मिनिमम विड्थ ऑफ गेट पल्स रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन एससीआर इज, जल्दी बोलो कितना आएगा? चलो क्या सिखाया था मैंने, याद करो, टर्न है ना, टर्निंग ऑन के लिए जो मिनिमम करंट रिक्वायर्ड रहता है उसको लेचिंग करंट बोलते हैं। अब V बराबर क्या होता है? L di by dt। अब इसको अगर मैं इस तरीके से भेज सकता हूं, L I/T भी लिख सकता हूं। अभी T निकालना है, T बराबर क्या होगा? V L into I/V।
ये सिंपल सा फार्मूला, एल का मान कितना है देखो 0.2, करंट का मान कितना है 1 मिली एम्पियर, मिली का मतलब 10^-3 वोल्ट, तेज कितना है 200 वोल्ट। चलो गुणा भाग करो, आंसर क्या आएगा? देखो एक जीरो नीचे आ गया तो 2 से 2 कट गया, तो 1 जीरो और बढ़ गया, मतलब 1000 बन गया, 1000 ऊपर गया तो कितना 10^-6, तो 1 माइक्रो सेकेंड, कितना जाएगा 1 माइक्रो सेकेंड। याद रहेगा सबको, आसान लग रहा है क्वेश्चन? चलिए सर, जो पढ़ा है उसको आसान लगेगा, बाकी लोग देखते रहो कोई बात नहीं, जो पढ़ा ही नहीं उसको क्या आसान क्या कठिन उसके लिए। चलो बताओ, अ थायरिस्टर SCR टर्न ऑफ व्हेन द, कब होता है सर? पल्स करंट रिमूव, गेट करंट रिमूव, थायरिस्टर करंट इज बिलो द होल्डिंग करंट, एनोड वोल्टेज इज मेड नेगेटिव, बताओ जल्दी। सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी बोलो। क्या समझाया था याद करो, थायरिस्टर में जो मिनिमम करंट होता है जो थायरिस्टर को टर्न ऑन करके रखता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? देखो ये इस तरीके से, ये यहां से ऐसे ऑन होता है, इससे SCR कैरेक्टरिस्टिक बताया था याद करो। तो ये जो मिनिमम करंट है दैट इज कॉल्ड होल्डिंग करंट, जो मिनिमम करंट चालू होने के लिए होता है उसको बोलते हैं लेचिंग करंट, और जो मिनिमम करंट होता है जिसको बंद करने के लिए जरूरत होता है उसे बोलते हैं होल्डिंग करंट। तो क्या आ जाएगा? होल्डिंग करंट, सी ऑप्शन। कोई तकलीफ किसी को? चलो आसान लग रहा है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन सिर्फ कराना यहां पर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी, तो ध्यान रखिएगा। टर्न ऑन ऑफ थायरिस्टर टेक प्लेस व्हेन, बताओ जल्दी, अभी सिखाया तुमको। जल्दी बोलो, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है उसको छोड़ दो, है ना मैडम, कोई मतलब नहीं उन चीजों का, है ना, पेपर्स का। ठीक है चल, टर्न ऑफ थायरिस्टर टेक प्लेस व्हेन, बताओ एनोड टू कैथोड वोल्टेज पॉजिटिव क्या होना चाहिए? सर याद करो, एक थायरिस्टर को टर्न ऑन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको पहले तो ये पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, उसके बाद एक छोटा सा गेट करंट भी देना पड़ेगा, एंड पॉजिटिव पल्स इज अप्लाइड टू गेट। आ गया समझ? आसान लग रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अंत तक बने रहिए, पूरी चीज समझ में आएंगी, भागना नहीं बीच में, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा अभी। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, यही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस जेई लेवल में आते हैं। ठीक है, तो देख ध्यान से देखिएगा, सब जेई लेवल के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट डायोड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, थायरिस्टर इन रिवर्स, थायरिस्टर मतलब क्या बताया था मैंने? ट्रैक में दो थायरिस्टर जो हैं इस तरीके से लगे रहते हैं, याद है कि नहीं? एंटी पैलेट SCR लगे रहते हैं, इनका जो ये वाला टर्मिनल कॉमन रहता है, थायरिस्टर इन बोथ डायरेक्शन, कहेगा थायरिस्टर इन बोथ डायरेक्शन। आसान लग रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ GTO गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, बताओ क्या होता है इसका मतलब? फर्स्ट ABCD, रिक्वायर स्पेशल टर्न ऑफ सर्किट लाइक कम्यूटेशन सर्किट ऑफ थायरिस्टर, क्या मतलब है फिर GTO बनाने का मेरा? ये GTO का मतलब क्या होता है? गेट टर्न ऑफ, ऑन नहीं है, ऑफ है, ऑन तो ही जाते हैं सब, चालू तो सब कर लेते हैं सर, पढ़ना चालू कौन नहीं कर लिया है, खत्म करना इंपॉर्टेंट होता है, मंजिल तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, घर निकले एक राउंड मार के कुछ दूर चलते ही एक मोड़ आया फिर वापस आ गया मैं, ठीक ऐसा नहीं होना चाहिए। कैन बी टर्न ऑफ बाई गिविंग पॉजिटिव, नहीं निगेटिव, निगेटिव पल्स देने से बंद जाता है, ठीक, मंजिल तक पहुंचना जरूरी है ना, तो दत्ती बल टोल देखे मंजिल वाला,
ठीक, मंजिल जरूरी, ठीक। चलो जल्दी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेंट ट्रिगर्ड डिवाइस, क्या है आंसर? जल्दी बोलो एबीसीडी फास्ट। क्या है सर? मॉस्फेट, मॉस्फेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, बताया था ना। चलिए जल्दी बताओ, क्या है आंसर? नंबर ऑफ पीएन जंक्शन, क्या सिखाया था मैंने, याद करो, पीएन पीएन, ये पी एन पी एन, तो जंक्शन जे वन जे टू जे थ्री, तीन जंक्शन है और चार लेयर है ना, आई बात समझ, क्लियर, ठीक। आगे बढ़ते दोचे, अब देखो आसान लग रहा होगा, सेकंड टाइम बना रहे हो क्वेश्चंस को, है ना, लग रहा है नहीं, जल्दी बोलो आसान, पिछले बार बनाया था थोड़ा कठिन लग रहा होगा, अब थोड़ा आसान लग रहा है, एक बार देख लिए हो तो, जल्दी बोलो। क्या आएगा? रिड्यूस डीवी बाई डीटी, वोल्टेज स्ट्रेस को कम करने के लिए और करंट स्ट्रेस को कम करने के लिए, करंट यहां है ही नहीं, मतलब जो थायरिस्टर है उसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने के लिए हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जुड़कर आप ये नोट्स, क्लास शेड्यूल्स, सब चीजें यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अभी शाम को फिर से क्लास होगा 5:30 से, तो सभी लोग ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को ही फिर से हम लोग जो भी क्वेश्चंस बचे रहेगा उसको शाम वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट, मेन एडवांटेज ऑफ आईजीपीटी और एससीआरई बताओ, चलो सेल्फ कम्यूटेटिंग प्रॉपर्टी, अपने आप बंद हो सकता है ये, इसके पास पावर है ये बंद करने का, ठीक, आई बात समझ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 10 थायरिस्टर आर यूज्ड इन ए स्ट्रिंग विद ए स्टैंड डीसी वोल्टेज ऑफ 15 kV, द वर्स्ट केस स्टडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर इज 1800 वोल्ट, द डीअरेक्टिंग फैक्टर इज, चलिए तो ये देखो डी एरेटिंग, इसको मैं यहाँ पर अलग से सॉल्व करवा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन बहुत सारा चीज़ था उधर, है ना, बहुत सारा चीज़ पढ़ाना रहता है, तो कुछ चीज़ें हो सकता है मिस हुआ हो या फिर हम लोग उस पर बात नहीं कर पाए हों, तो यहाँ पर इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। देखिए ध्यान से, हाँ, 10 थायरिस्टर आर यूज इन ए स्ट्रिंग, देखो थायरिस्टर, अब देखो अगर आपको वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ानी है तो थायरिस्टर को किस में लगाना पड़ेगा, जल्दी बोलो। जैसे मान लो ये 1 kV का है, कितने वोल्ट का है, 1 kV का, अब मेरे को 10 kV चाहिए तो क्या करूंगा, ऐसे ऐसे कितना लगाना पड़ेगा सीरीज में, 10 लगाएल पड़ी है कि नहीं, जल्दी बोलो, ऐसे 10 लगाओगे तो ये 1 kV, तो 1 kV कितने, 10, तो 10 kV का बन जाएगा। तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए हम उसको सीरीज में एड करते हैं, और अगर करेंट रेटिंग बढ़ाना है तो पैरेलल में एड करेंगे, ये सब चीजें हमने डीसी मशीन में पढ़ा था। चलो अब जो स्ट्रिंग की इफिशियंसी होती है, ये स्ट्रिंग इफिशियंसी का फार्मूला नोट कर लो सब लोग, वोल्टेज, एक्चुअल वोल्टेज रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग, एक्चुअल वोल्टेज रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग, रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग टू द एन गुड़ा वोल्टेज, एक्चुअल वोल्टेज
ऑफ एससीआर। ठीक, अब जो डी रेटिंग फैक्टर होता है, डी रेटिंग फैक्टर स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फार्मूला है, 1 माइनस स्ट्रिंग एफिशिएंसी होता है, ये डी रेटिंग का फार्मूला है। अब बताओ कितना है, 15 किलो वोल्ट है, 15 किलो वोल्ट है। अब ये बताओ इन द वर्स्ट केस एक थायरिस्टर कितना वोल्ट विथस्टैंड कर सकता है, 1800 वोल्ट। अब कितना थायरिस्टर लगा है, 10 थायरिस्टर लगा है, कितना 1800। अब किलो का मतलब कितना होता है कौन बताएगा, तो इसमें किलो का, किलो वोल्ट की जगह मैं यहाँ पर 10^3 लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ 10^3, चलो 10^3 मतलब 1000 लिख देता हूँ सीधा सीधा, 1 2 3 1 2 3 0 खत्म। ठीक, आ गया समझ, 15 5 3 5 3 5 6 18। अब 5/6 बचा, अब इसको 1 माइनस कर दो, 6 कम 6 तो 1/6, 1/6 गुणा 100 से कर दो, 6 कम 12 6 72, 16 6 96, 16 6 96 लगभग इतना आएगा, ऑप्शन में नहीं है तो इसके आसपास जो है उसको लगेगी। आसान लगा सबको, यस और नो जल्दी बोलो। इसलिए ये सेशंस देखने इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज छूटा होगा इस सेशंस में आपको कंप्लीट करेंगे, मैराथन में सब चीजों को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर लेके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही आपका इस तरीके से आने वाला है। तो अभी केवल आप एमसीक्यू से फोकस कीजिए, आप फार्मूला कॉपी बनाइए, फार्मूला कॉपी में फार्मूलाज को लिखिए और फार्मूला शीट्स बनाए जो भी बनाए उनको रोज देखिए और इस तरीके से एमसीक्यू जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। क्लियर, चल तो आ गया समझ, चलिए समझ आ गया, बना लिए सब लोग, ये सुनो जल्दी जल्दी बोलो, आगे बढ़ता हूं मैं। चलो जल्दी, फास्ट, क्या बताया था मैंने, J-FET, ये कहां लगा रहता है, ये तुम्हारा फैन का रेगुलेटर है सर, फैन का जो रेगुलेटर रोज यूज करते हो वही चीज है, ये फैन रेगुलेटर ही है सर, J-FET, वो देख नीचे में लगे हुई है, वही J-FET है, रोज यूज करते हैं ना, लेकिन होश में ध्यान तो याद नहीं रहे। क्या लिखा है, अ वेव फॉर्म शोन इन इनपुट इज अप्लाइड अक्रॉस प्राइमरी ऑफ पल्स ट्रांसफार्मर विच हैज 1-to-1 ट्रांसफर रिसीव द आउटपुट ऑन सेकेंडरी साइड विल बी। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है नहीं सर, देखो ट्रांसफार्मर क्या करता है जल्दी बोलो, E बराबर क्या करता है, माइनस एन डी फाई बाई डीटी। अब अगर इसका डिफरेंशिएट करोगे, ये कौन सा फंक्शन है, स्टेप फंक्शन, स्टेप का क्या होगा, पी की वेव फॉर्म बनता है, क्या बनता है, पी की, और वोल्टेज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बनेगा, कौन सा ऑप्शन आ गया, डी, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। An SCR triggered by current pulse applied to gate cathode can be turned off. चलो बताओ, क्या बताया था मैंने, बंद करना है तो एनोड कैथोड वोल्टेज को उल्टा पलटना पड़ेगा। ठीक, तो ये डी आ गया आंसर। और एक IGBT क्या होता है, लो इनपुट इंपेडेंस एंड हाई कंडक्टेंस लॉस, बताओ, याद करो, सिखाया था मैंने शुरुआत वाली क्लास में, बेसिक
का ही 20 क्लास लगा है लगभग। क्या बताएगा, क्या बताया था, हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड लो कंडक्शन लॉस। कंडक्शन लॉस का मत पढ़, बहुत बढ़िया, 7 जन्म लग जाएगा इन सब चीजों को करेक्ट करने में। इट इज नॉट अ जोक। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो बताओ, क्या बताया था मैंने, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बढ़ेगा तो जिससे क्या होगा, इनपुट पावर फैक्टर कम होगा। ये सब मैंने कहां पढ़ाया था, रेक्टिफायर्स में। ठीक, रेक्टिफायर्स में सब चीजें पढ़े हैं। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज लोएस्ट मैक्सिमम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, जिस किसका सबसे कम होता है, GTO, IGBT, SCR, MOSFET। तो याद रखना, इसमें सबसे कम होता है GTO का, उसके बाद इसको लिख लो, चलो GTO, उसके बाद आता है SCR, फिर आता है MOSFET, फिर लास्ट सबसे ज्यादा, सॉरी, हाँ, सबसे ज्यादा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ये यहाँ पर MOSFET लास्ट में आएगा, IGBT फिर लास्ट है MOSFET, IGBT, और सबसे हाईएस्ट क्या होगा, MOSFET। इसीलिए सबसे हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के लिए MOSFET, लो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के लिए GTO और मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए IGBT प्रीफर करते हैं करके बताया था मैंने। कितने लोग क्लियर हुआ, यस और नो जल्दी बोलो, क्या आएगा आंसर, मैक्सिमम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी MOSFET, मैक्सिमम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, सॉरी क्या बोला है, मैक्सिमम क्या है, लोएस्ट पूछा है ना, सॉरी लोएस्ट पूछा है, तो लोएस्ट क्या आएगा, GTO। SCR इज मोर यूटिलाइज एज कंपेयर टू ट्रैक बिकॉज, मतलब अवेलेबल फॉर हायर रेटिंग्स, ज्यादा रेटा है SCR को, कितना भी बड़ा हम बना सकते हैं कितना पावर रेटिंग्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनपुट करंट ऑफ 3-phase AC वोल्टेज कंट्रोलर इज फाउंड टू बी साइनोसाइडल, देन टाइप ऑफ लोड एंड फायरिंग एंगल इज, बताओ क्या आंसर। जल्दी बोलो, यस, कैसे कहा था मैंने, या तो कैपेसिटी लोड 0 में हो सकता है, या तो रजिस्टिव लोड कितने के लिए हो सकता है, 2π के लिए। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अभी हम लगाएंगे किसको, A को, क्योंकि ये पहले आ रहा है। चलो, इन फिगर सोन अ थायरिस्टर कंट्रोल पावर इन अ लोड RL to limit DI/DT on SCR 50 ampere per microsecond, the minimum value of load used to DI/DT protection in micro henries. Chalo bolo. Kya hai answer? Jaldi bolo. VS बराबर क्या होता है, LDI/DT, चलो फार्मूला है बनाओ, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलो, 240 बटे कितना,
आगे आंसर क्लियर। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आईजीबीटी हैज लो इनपुट इम्पीडेंस कंपेयर टू पावर मॉसफेट, आईजीबीटी हैज एंड पावर मॉसफेट आर बोथ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, आईजीबीटी कैन बी डिजाइन फॉर हायर वोल्टेजेस कंपेयर टू पावर मॉसफेट, आईजीबीटी कन्वर्ट्स। जल्दी बोलो, ये ऑप्शंस है। तो देखो ध्यान से, ये तो गलत है, आईजीबीटी हैज लो इनपुट इम्पीडेंस कंपेयर टू पावर मॉसफेट गलत हो गया, पहला गलत है। आईजीबीटी मॉसफेट बोथ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस सही है, तो दो सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये खत्म होगी बात, और एक तो है ही नहीं, तो कौन सा आंसर आ गया भी? ऐसे ही इलिमिनेट कर सकते हैं। आईजीबीटी डिजाइन फॉर हायर वोल्टेजेस एज कंपेयर टू पावर मॉसफेट। चलो भुला तो जाता है तुम्हें तुरंत। चलो, स्नबर सर्किट इज कनेक्ट टू पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस टू रिड्यूस, क्या आंसर? इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस। विच फिनोमेनन इज प्रेजेंट इन थायरिस्टर बट अब्सेंट इन बीजीटी पावर मॉसफेट आईजीबीटी, बताओ। लेचिंग डिवाइस से बताया था ना, लेचिंग करंट वाला फिनोमिना किसमें आता है? केवल एससीआर में। एससीआर का मैंने आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था तुमको, अगर तुमको याद होगा थोड़ा बहुत, तो मैंने बताया था लेचिंग करंट, होल्डिंग करंट, इन सब के बारे में बताया था। आरसी ट्रिगर्ड इज प्रिफर्ड ओवर रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग बिकॉज, बताओ जल्दी। इट प्रोवाइड ट्रिगरिंग एट प्रेजेंट इन प्रेशर, गलत है। इट गिव्स लॉन्गर ड्यूरेशन गेट पल्स, गलत है। ये इट इज इनेबल द ट्रिगर्ड एट लार्जर वैल्यूज ऑफ फायरिंग एंगल्स, ये हमको अलाउ करता है कौन? आर सी ट्रिगरिंग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इन्वर्टर, चलो जल्दी। इन्वर्टर क्या होता है कौन बताएगा? चलो बताओ, पढ़ो इसको। पढ़ो जल्दी, लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स कैन बी फंक्शन एज आइसोलेटेड एसी सोर्स, गलत है। बात कैसे आएगा गलत है, पहला गलत है, एक गलत है, तो ये तीनों खत्म हो गए सर, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, दो और चार करेक्ट। फोर्स कम्यूटेटेड इन्वर्टर कैन प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एसी वोल्टेज विद एडजस्टेबल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, बताया था ना कितना वोल्टेज और कितना फ्रीक्वेंसी तुम जनरेट कर सकते हो। थायरिस्टर बेस्ड इन्वर्टर डू नॉट रिक्वायर एडिशन, अब बताओ थायरिस्टर बेस्ड इन्वर्टर है तो कम्यूटेशन जरूरत पड़ेगा ना उसको बंद करने के लिए, ये भी गलत हो गया। आईजीटी पावर मॉसफेट बेस्ड इन्वर्टर्स आर मोर रिलायबल एंड लेस कॉस्टली, क्योंकि ये टर्न ऑफ करने के लिए जो कम्यूटेशन सर्किट है कॉम्प्लेक्स, वो हमको डिजाइन नहीं करना पड़ता, इसलिए मैंने बताया था कि प्रेजेंट डेज में आईजीबीटी और मॉसफेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। चलो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, देख लो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पढ़ो। आईजीबीटी बीजीटी करंट कंट्रोल डिवाइस, वेयर आईजीबीटी इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, है गलत। बीजीटी करंट कंट्रोल डिवाइस है, बताया था, होश में हो कि नहीं? पहला सही,
बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस है, पहला सही है, पहला सही है, मतलब क्या चीज नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकता। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, होश में रहा करो है। आईजीबीटी और मॉस्फेट दोनों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। नेक्स्ट, बीजेटी एंड आईजीबीटी हैव लो इनपुट इंपेडेंस। दूसरा क्या आंसर, हाँ पहला तीसरा चौथा, ये सही है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी बोलो, क्या सिखाया था मैंने, पल्स ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं, प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशंस के लिए, आइसोलेशंस के लिए। चलो थीटा जे ए ऑफ थायरिस्टर इज 2.5 डिग्री सेल्सियस पर वाट, टी जे इज 25 डिग्री, पी डी इतना है एट 150 डिग्री सेल्सियस। देखो कोई भी चीज गर्म होगा डिवाइस तो क्या होगा, लॉसेस होंगे, वही लॉस को पूछ रहा है। तो पावर जो लॉस लिख लो इसका फार्मूला, पी डी लिख लो इसको, टी ए माइनस टी जे बाय थीटा जे ए। अब तुम बताओ कितना है, 150, कितना है 150, तो 150 माइनस 25, माइनस 25 बटे 2.5, तो 150 माइनस 25 करेंगे कितना हो गया 125, इसको 25 बटे 10 लिख सकता हूँ, 10 ऊपर चला जाएगा, 25 से कम 25, पंचे 5 दाहम 50, 50 वाट। ठीक याद रहेगा, जंक्शन टेम्परेचर थीटा जे, ठीक है। इनकम्यूटेशन सर्च की, चलो देखो, इनकम्यूटेशन सर्किट एम्प्लाइड टू टर्न ऑफ एन एसी आर सेटिस्फाइड टर्न ऑफ इज ऑब्टेंड व्हेन, बताओ क्या है आंसर, कैसे कहा था मैंने, सर्किट टर्न ऑफ टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ईच डायोड इन ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर में कितना बताया था, वी एम, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या था, वी एम। द मैक्सिमम डीसी वोल्टेज रेटिंग, द मैक्सिमम डीसी वोल्टेज रेटिंग बताओ क्या है आंसर, हम्म,
जल्दी बोलो। क्या आएगा? फीडबैक। क्या आएगा आंसर? फीडबैक। द मैक्सिमम डीसी वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ पावर डायोड इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग फीडबैक इन डीसी टू डीसी चॉपर। जे फैक्ट्री बताओ जल्दी। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस। क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन हाफ वेव रेक्टिफायर वोल्टेज सोर्स वी इक्वल टू 100 साइन 377 टी, द लोड रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 100 ओम एंड अल्फा फायरिंग एंगल इज 45 डिग्री, द एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ लोड इज। बताओ जल्दी, आसान सा क्वेश्चन है। क्या बताया था? वी नॉट, याद करो, हाफ वेव रेक्टिफायर का वी नॉट कितना आया था? वी एम बाई पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। अब देखो, अगर तुम फार्मूला का भी बनाया होगे तो ये चीजें तुमको याद रहेगी, नहीं तो खोजते रहो फिर कहां पर बनाए हैं। कितना वी एम? 100 बटे पाई का मतलब 3.13 ही लिख लेता हूं। चलो 1 प्लस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का मान 45, कॉस 45 का मान 1.707। चलो गोटा भाग करो, आंसर कितना आएगा बताओ। वी एम बाई 2 पाई होता है, हाफ है तो 2 पाई, फुल है तो पाई, 2 3 6 6 3 18 6 3 18 लगभग, 3 1 कम तो लगभग इसके करीब आना चाहिए, लगभग आ गया आंसर। इन अ सिंगल फेज फुल कन्वर्टर फॉर कंटिन्यूअस कंडक्शन ईच पेयर ऑफ SCR कंडक्ट फॉर। एकदम आसान सा क्वेश्चन, क्या आएगा? पाई। कंटिन्यूअस कंडक्शन है ना, आधे के लिए एक, आधे के लिए एक। सिंगल पल्स कन्वर्टर कैन बी ऑपरेटेड इन, बताओ सिंगल फेज फुल कन्वर्टर कितने क्वार्ट रेट में ऑपरेट करते हैं? टू क्वाड्रेंट। क्या आया था? टू क्वाड्रेंट है ना, डुअल कन्वर्टर यूज करते थे तो वो 4 क्वाड्रेंट आया था। डुअल कन्वर्टर फुल 4 क्वाड्रेंट। चलो, इन डीसी चॉपर पर यूनिट रिपल इज मैक्सिमम व्हेन द ड्यूटी रेशियो अल्फा इज, बताओ कितना आएगा? 0.5। क्या गया? 0.5। अ लोड कम्यूटेटर चॉपर सर्किट हैज, बताओ लोड कम्यूटेटर चॉपर में कितना SCR रहता है? तुम लोग को फोटो, अगर तुम लोग फोटो याद रखा करो ना यार, सबका बताया था, केवल फोटो से ही क्वेश्चन पूछ देता है। ये देखो, ये फोटो ऐसा बना था, यहाँ पर इस तरीके से था लोड कम्यूटेटर चॉपर, याद आ रहा है? केवल मैं बोला ही था, फोटो ही पूछ देता है कि एग्जाम में, तो इस तरीके से ये था। तो कितने चॉपर हो गए, कितने थायरिस्टर लगे है? जल्दी बोलो। 4 थायरिस्टर दिख रहा है, 4 थायरिस्टर। अ सिंगल फेज फुली कन्वर्टर रेक्टिफायर एज एवरेज आउटपुट वोल्टेज 200 वोल्ट, अल्फा 0 है, इट्स आउटपुट वोल्टेज व्हेन अल्फा इज 30 डिग्री। जल्दी क्या होता है? वी नॉट 2 Vm/π cos अल्फा, ठीक।
एक बार कॉस जीरो है, इसको वी आउटपुट वन कॉस अल्फा वन मान लेता हूँ, वी आउटपुट टू इक्वल टू टू वी एम बाई पाई कॉस अल्फा टू, दोनों को डिवाइड कर दो तो यहाँ से क्या समझ में आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो वी आउटपुट टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आउटपुट वन इंटू कॉस अल्फा टू बाई कॉस अल्फा वन। तो आउटपुट टू कितना है, आउटपुट वन 200, कॉस अल्फा टू कितना है, कॉस अल्फा टू कॉस 30, कॉस 30 का मान रूट 3 बाई टू और कॉस 0 का मान 1, दो एकम 200, 100 गुणा रूट 3 मतलब 173 होगा। आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम के, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटी से बताया था ना, टी ऑन प्लस टी ऑफ कितना है 200, तीस 3/4 ठीक है, आया समझ। चलो ठीक है, फिर आगे कहानी यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, शाम को 6 बजे क्लास होगी, 6 से 8 हम 2 घंटे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी बचा हुआ है, कन्वर्टर्स इन्वर्टर्स रेक्टिफायर्स जो भी बची जो बचा हुआ है उसके क्वेश्चन को लेंगे और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अब फाइनल टच दे के कम्प्लीट करेंगे। इसके बाद कल वाली क्लास में कल सुबह मैं डीसी मशीन्स को पढ़ाऊंगा, डीसी मशीन का जो हमारे जो प्रैक्टिस सेशन उसको कराएंगे, शाम वाली क्लास में ट्रांसफार्मर कराएंगे, इस तरीके से हम मशीन्स को भी 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।